हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले फिल्म एनाबेला राठौर। मुझे कल रात पता चला कि टाइम ऑफ वेस्टिंग क्या होता है, जब मैंने अपनी जिंदगी के 2 घंटे 15 मिनट वेस्ट किए। वैसे तो मैं साउथ की फिल्मों का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, चाहे छोटे मोटे एक्टर की क्यों ना फिल्म हो, वो फिल्म मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक देखता हूँ, क्योंकि मुझे साउथ की फिल्मों का जो जॉनर है वो मुझे काफ़ी पसंद है। फिल्म में स्टोरी, कॉमेडी, हॉरर पार्ट, ट्रेजेडी पार्ट, ये सारी चीज़ें जो वो फिल्म में बराबर से दिखाई होती है, लेकिन सारी फिल्मों में नहीं, क्योंकि कुछ फिल्मों में स्टार कास्ट काफी बड़ी होती है लेकिन फिल्म की स्टोरी की वजह से फिल्म जो वो बुरी तरह से पीट जाती है। जी हाँ, एनाबेला राठौर ये इसी तरीके की फिल्म है जिसकी स्टार कास्ट काफी बड़ी है लेकिन फिल्म की स्टोरी की वजह से फिल्म जो वो बुरी तरह से पीट गई। फिल्म की लेंथ जो वो 2 घंटे 14 मिनट की है और मैंने अपनी जिंदगी का 1 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट किया कि ये फिल्म मैंने क्यों देखी ये सोचने के लिए। वैसे तो मैं जब भी किसी फिल्म का रिव्यू करता हूँ तो फिल्म की स्टोरी, एक्ट्रेस की एक्टिंग और फिल्म का प्रेजेंटेशन कैसा है, इन सारे टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं इस फिल्म का इतना डीपली रिव्यू नहीं करूंगा। सिर्फ एक लाइन में आपको मैं इस फिल्म का रिव्यू देने वाला हूँ। एनाबेला राठौर, जिसके स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे तापसी पन्नू, जगपति बाबू और साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति। जब इतनी बड़ी स्टारकास्ट है तो मैंने सोचा कि फिल्म की स्टोरी भी काफी जबरदस्त होगी, फिल्म भी काफी जबरदस्त होगी। ये फिल्म फ्राइडे को दोपहर में 12:30 बजे डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई। वैसे तो इस फिल्म का जॉनर जो है वो हॉरर कॉमेडी है, इसलिए मैंने सोचा कि इस फिल्म को मैं रात में देखूंगा, क्योंकि हॉरर कॉमेडी फिल्म में देखने का मजा तो रात में ही आता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब मैंने ये फिल्म देखना स्टार्ट किया तब मेरी आंख कब लगी ये भी मुझे पता नहीं, और बाकी जो बची हुई फिल्म थी वो मैंने आज सुबह देखी। क्या रे बाबा, तुम्हारे लिए चाचा ये सबेरे क्या, मेरे को यही देखने का है क्या? मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी फिल्म को देखने के बाद अगर आपको नींद आ रही है तो आप उस फिल्म की स्टोरी का अंदाजा लगा सकते हैं। साउथ की इकलौती ऐसी फिल्म है जो मुझे इतनी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। फिल्म की स्टोरी में हमें विजय सेतुपति जो एक राजा के किरदार में नजर आ रहे, जो कि हमें किसी भी एंगल से राजा लगते नहीं, और उनके वाइफ का रोल प्ले किया है तापसी पन्नू ने, जो कि एक अंग्रेजी मैम है, यानी कि इंग्लैंड में पैदा हुई है, वो थोड़ी बहुत लगती है। तो राजा ने अपने रानी के लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर महल बनाया होता है, ऐसा फिल्म में कहा गया है। हमें वो महल इतना कुछ खास, इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो उस सुंदर महल पे कुछ लोगों की बुरी नज़र पड़ जाती है। वो उस महल को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो राजा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये महल आप हमें बेच दो। लेकिन राजा बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने ये महल जो वो अपने प्यार के लिए, अपने बीवी के लिए बनाया होता है, तो वो ऐसे में इस महल को बेचना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे राजा और रानी को धोखे से मारकर उस महल को हड़प लिया जाता है। तो अब राजा और रानी को धोखे से कौन मारता है और कौन उस महल को हड़प लेता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। वैसे तो दोस्तों इस फिल्म में कोई इतना ज्यादा कुछ सस्पेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सस्पेंस क्रिएट करके बता रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्योंकि अगर आपको मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा तो आपको ये फिल्म देखने का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि जितनी आपको मैंने फिल्म की स्टोरी बताई उतनी ही फिल्म की स्टोरी है। फिल्म में एक ऐसा डायलॉग है जो फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को दिखाता है। नई कहानी कौन बनाता है आजकल, पुरानी कहानियों को रिसाइकल करके परोसते हैं, व्हाट कैन। मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो पुरानी स्टोरी को वापस से नया बनाकर उस पर फिल्में बनाते हैं। जैसा कि इसी फिल्म की स्टोरी हमने इससे पहले बहुत से हॉरर शोज या फिर हॉरर सीरियल्स में देखा है, यानी कि ये भी स्टोरी कुछ इतनी खास या फिर इतनी कुछ नई नहीं है। बात करें एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई ऐसी ओवर एक्टिंग कौन करता है बे, ऐसी ओवर एक्टिंग कुछ भी। चलो एक्टिंग का पार्ट खत्म हो गया। बात करें फिल्म के प्रेजेंटेशन के बारे में तो फिल्म में कहीं पे भी हमें VFX या फिर फिल्म में किसी भी तरीके का स्पेशल इफेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देता, जबकि हॉरर फिल्म में ये सब चीज़ें बहुत ही जरूरी होती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी ज़रूरी होती है जब आपकी फिल्म की स्टोरी जो है वो हॉरर हो, तो यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी का भी बहुत ही बड़ा काम होता है, लेकिन वो भी हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे उन लोगों ने हमें डराने के मामले में सिर्फ हमारा काटा है। थोड़ा डायरेक्टर ने स्पेशल इफेक्ट्स पे भी काम करना चाहिए था, एक्ट्रेस की एक्टिंग पे भी काम करना चाहिए था, जो VFX है, सिनेमेटोग्राफी है, इस पे भी काम करना चाहिए था। मतलब एक भी ऐसा पल नहीं आता, एक भी ऐसा सीन नहीं आता कि जहाँ पे हमें ये फिल्म जो वो डराती हो, और ना ही एक भी ऐसा सीन आता है जहाँ पे हमें पेट पकड़कर हंसना पड़े। तो ओवरऑल दोस्तों यही फिल्म है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने देखी है तो आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।